जहां भी जाता हूं मेरे से डबल उम्र की माता जी मेरे सामने आके से खड़ी हो जाती है। मैं कहता हूं माता जी आप बुजुर्ग है आप आशीर्वाद दीजिए। अरे तमें तो पितामह छो मारी पहुंचे मुझे बोलना पड़ता है सौभाग्यवती है। साथ ही ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं ये बच्चा पागल है आपके लिए शक्तिमान के लिए। और बच्चा मुझे ऐसे दिखता है और बच्चा अक्सर मेरा कोट पकड़ के कहता है ये उनके दिखा। कोई बच्चा मेरा स्कार्फ पकड़ के कहता है जादू करके दिखाओ ना वो तो चप। कोई जादू नहीं होता कोई उड़ नहीं होता सब कंप्यूटर में होता है। Well, I must tell you that when I meet Shaktiman, 97, and I think this area where you are living right now, where you are spending your time in education, was the place where lots of Shaktiman shooting used to happen here. Belapur mein, अगर आपने शक्तिमान को किसी टावर के ऊपर खड़े होकर देखा होगा तो यहाँ की एक टावर थी जिसके ऊपर हम आके खड़े शक्तिमान खड़ा होकर देखे। दिस इज द प्लेस वेर आई बॉट प्रॉपर्टीज ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेर आई बॉट माई प्रॉपर्टी एंड दिस इज द प्लेस विच यूज टू बी एब्सोल्यूटली एम्प्टी। हम बम्बई में अगर सड़कों पर शूट करें तो हमें पब्लिक को बचना पड़ता है पुलिस का इंतजाम करना पड़ता है कमिश्नर साहब से परमिशन लेनी पड़ती है और कोई लोग धक्का धुक्की बनाना। यहाँ पर जब आते थे तो हम क्राउड लाना पड़ता था बस की बस भर के आते थे 50 से 100 लोगों को बंबई से लाया करते थे। सो दिस इज अ प्लेस विच इज व्हेन आई मेड इन 97 शक्तिमान आई मेड फॉर वन रीजन दैट अवर कंट्री नेवर हैड अ सुपर हीरो। और मुझे लगा कि हमारे देश के पास 33 करोड़ देवी देवता है। इतने सारे देवी देवता है कि कभी कभी ऊपर से सोचते हैं कि दूसरा अवतार मतलब एक और सीरियल बन जाएगी। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं। सुपर हीरो हमारे देश के बच्चे विदेशों को देखते थे सुपरमैन स्पाइडरमैन बैटमैन कैप्टन प्लैनेट। मैंने कहा हमारे पास क्यों नहीं है एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक द सुपर हीरो एंड आई एम हैप्पी दैट टुडे किड्स से कि हमारे देश का भी अपना सुपर हीरो है जिसका नाम है रावण नहीं कृष्ण भी नहीं। दे आर बिकमिंग बट आई ऑलवेज टेल देम दैट यू कम विद मी टू द एनी पार्ट ऑफ इंडिया वेर एवर यू गो टूडे शक्तिमान। एंड मैं आपको इस बात के साथ एक और खुशखबरी देना चाहूंगा क्योंकि अभी भी मैं गांव में जहां भी जाता हूं बच्चे मुझे बोलते हैं किलविश कब मरेगा। आई एम गिविंग यू अ गुड न्यूज दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग बैक शक्तिमान। और सबसे बड़ी दुविधा जो मेरे लिए थी कि मैं अक्षय कुमार को शक्तिमान नहीं बना सकता मैं शाहरुख खान को शक्तिमान नहीं बना सकता मैं कमिश्नर साहब को शक्तिमान नहीं बना सकता मुकेश खन्ना को ही शक्तिमान बनना पड़ रहा है क्योंकि स्टिल टुडे वेर एवर आई गो बच्चे भागते शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। सो आई हैव रिड्यूस्ड माई सेल्फ। मैंने 6 महीने जिम किया 6 महीने योगासन किए 10 kg कम किए और भी 5-6 kg कम करनी है एंड आई एम ट्राइंग टू अगेन ब्रिंग शक्तिमान ऑन दूरदर्शन एंड इवन मे बी सैटेलाइट चैनल। That is something that शक्तिमान की बात निकली तो मैंने इनको शक्तिमान क्यों कहा उसका एक कारण था। जो बातें ये यहां कह रहे थे आपको याद होगा बिकॉज आई मीट अ जनरेशन ऑफ टूडे। आई वॉज इन श्रीनगर। श्रीनगर में आप जाओ तो वहां पर हर 300 किलोमीटर के बाद में एक सीआरपीएफ का जवान खड़ा रहता मशीन गन लेके। उनको पता लगा मैं मेरी गाड़ी जहां रुकती तो आके बोलते हैं हम आपका शक्तिमान देखते थे सर हम स्कूल बंक करके देखते थे। सो वो 10 साल के बच्चे आज 25 साल के हो गए हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो बात कही आप लोगों की हेलमेट पहनना चाहिए आपको ये करना चाहिए आपको वो करना चाहिए मुझे याद आया कि शक्तिमान बनकर हम यही किया करते थे और बच्चे बोलते थे सॉरी शक्तिमान। सो आई विल टेल यू ऑल पीपल टू से सॉरी कमिश्नर कुछ भी मिस्टेक करो तो इनको आके सॉरी बोलो। Well, this is something Shaktiman has worked because it was not just an entertainment like Krish or Raman, a bad film. But we always thought that I always believe, kuch bhi banao, message do usko. Just not entertainment. Shah Rukh Khan once said, "We are not masihas, we are entertainers." I don't agree with them. You are masiha. You are at a platform where millions of log aapko dekhte hain.
अगर शाहरुख खान अपनी गर्लफ्रेंड को बाजीगर में दो माले से उठाकर फेंक देता है तो एक झोंगी तलिया पे बैठा हुआ बच्चा बनेगा, शाहरुख खान फेंक सकता है तो मैं भी फेंक सकता हूं। सो यू मस्ट डू व्हाट यू मस्ट इंस्पायर पीपल। ऑलवेज बिलीव, आई नेवर डिड अ विलन रोल। आई वॉज ऑफर्ड दुर्योधन एंड द फर्स्ट ऑफर वॉज दुर्योधन। मैंने कहा गोफी मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। आई वॉज हियर फॉर 15 फिल्म्स दैट टाइम। मैंने कहा मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता, मुझे हीरो मानेगा, मैं लुक दूंगा तुमने कम कर कम कर कम, मेरे से कम नहीं होता। सो मैंने विलन के रोल आज तक एक्सेप्ट नहीं किए। मतलब आई कुड हैव अर्न बिलियंस, बट मैं स्ट्रांग पॉजिटिव रोल में बिलीव करता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि ऐसी चीज बनाओ जो हमारे समाज को, हमारे बच्चों को एक अच्छा मैसेज दे, क्योंकि यही बच्चे हैं। मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, आप सबके अंदर शक्ति का अपार खजाना छुपा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर बच्चे के अंदर शक्ति का अपार खजाना वो लेकर पैदा होता है। आपने शक्तिमान को देखा होगा, जब वो मेडिटेशन पर बैठता है तो 7 चक्र जाते हैं उसके पीछे से। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार चक्र। और वो जो कुंडलिनी शक्ति जो आपकी बचपन से मूलाधार चक्र में रहती है, वो कुंडलिनी शक्ति जो मुझे दुखित हृदय से कहना पड़ता है कि हमारे में से 90% से ज्यादा लोग उस शक्ति के साथ पैदा होते हैं और उस शक्ति के साथ मर जाते हैं। उसमें से चंद लोग होते हैं जो उसे जगाने की कोशिश करते हैं, और जो जगाने की कोशिश करता है वो पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार से शक्तिमान बन जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अपनी कुंडलिनी जगाने की कोशिश कीजिए, बट अगर आप सही मार्ग पर चलो, एनी एथलीट, एनीबडी हु प्लेज, एनीबडी हु डज सम काइंड ऑफ अ वर्क विच नॉर्मल पर्सन डजंट, मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको स्ट्रांग बनना है तो अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छी कसरत कीजिए। 3 चीजों का मंत्र रखिए, गुड ईटिंग, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा एक्सरसाइज करना। यानी कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और कसरत नहीं करो तो ऐसे ऐसे चल रहे हो, वो शक्तिमान नहीं बने। और ये नहीं कि आप जो है एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज और खाते नहीं हो तो ये भी चलोगे तो वो भी शक्तिमान नहीं हो, और नींद नहीं करोगे। तो ये तीनों का संतुलन बनाइए, एनीबडी कैन बिकम शक्तिमान। मैं कहूंगा कि अगर आप उस राह पर चलोगे तो शक्तिमान ने मार्ग बताया है, यू नीड नॉट बिकम शक्तिमान। पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो अपने शरीर की, मैंने कहा था शरीर मंदिर है उसकी रक्षा कीजिए, जो उसके ऊपर अगर 20 कदम भी चलेगा तो ये बच्चा साथ वाले बच्चे से ज्यादा शक्तिशाली होगा। एंड आवर कंट्री नीड स्ट्रांग शोल्डर्स। तुम हमारे देश के वर्तमान हो जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है। अगर आपके कंधे मजबूत होंगे, हमारा देश आपके कंधों पर टिककर सुपर पावर बनकर उभरेगा। इसलिए आई नीड यू पीपल आर हैविंग योर एनुअल फंक्शन हियर, आई विल जस्ट से एंजॉय योर सेल्फ, बट ऑलवेज बिलीव दैट अल्टीमेटली यू हैव योर बॉडी विच इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। या आपके शरीर या आपका दिमाग, आप कितना भी पढ़ लो, ये दिमाग जिसमें 7.5 नंबर का हैट पहनते हो कभी कभी, दिस दिमाग इज बिगेस्ट कंप्यूटर ऑफ द यूनिवर्स। बड़े से बड़ा कंप्यूटर इस दिमाग को कॉपी नहीं कर सकता। लोग कहते हैं विवेकानंद ने सिर्फ 12.5% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, अब विवेकानंद ने तो आप कितना इस्तेमाल करते हो। बट दिस हैज अ कैपेसिटी, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू वर्क, डू मेडिटेशन, डू योगा। बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज योगा। It will help you in your exercises, it will help you in your studies, it will help you in your concentration, decision making power. Do yoga, do meditation, join a yoga institute or play any game. हम तो मैं आप तो गुजर चुके हो, पर आज का बच्चा मैं भी सिर्फ ये करता है, कंप्यूटर गेम खेलता है। इतने बड़े अंगूठे हो जाएंगे, इतना दिमाग होगा, शरीर इतने का इतना रहेगा। You must play outdoor games. सूरज की जरूरत है आपको, विटामिन डी चाहिए आपको, आप लोग गुजर चुके हो उसमें से। लेकिन मैं तभी भी कहूंगा, डोंट जस्ट ट्राई टू बिकम नंबर 1। प्रिंसिपल तो यही बोलेंगे कि नंबर 1 पर क्या हो। मैं आपको बताऊं, मुकेश खन्ना अपनी क्लास में 27वां नंबर आया था, और मैंने अपने भाई को अमेरिका में जो रहते थे, मैंने लिखा 27वां नंबर आया हूं क्लास में, 50 स्टूडेंट में 27वां नंबर आया। और मैंने बड़े गौरव से लिखा, जैसे आज का बच्चा कहता फर्स्ट आया हूं, सेकेंड आया हूं। और आजकल की माओ में उसकी साड़ी मेरे साड़ी से ज्यादा सफेद, क्यों का कॉम्प्लेक्स। उसका बच्चा नंबर 2 पर आया, सही लिखा। मेरा बच्चा नंबर 8 पर है, एवरीबडी हैज ए डिफरेंट ग्रास्प। मैं यही बताना चाहता हूं कि वही मुकेश खन्ना
I am BSc, I will be. I've done my BSc, I've done my law. But Mukesh Khanna aaj zindagi ke us muqam par khada hai jahan bahut se log pahunchna chahte hain. Par wo main isliye nahi pahuncha hoon ki main SSC mein first aaya ya main BSc mein first aaya ya main LLB mein first aaya. Aaj main wahan hoon jahan hoon wo isliye hoon ki maine zindagi ka exam pass kiya hai. So aap log main teachers se kehna chahunga, principals se bhi kehna chahunga, students aur maaon se kehna chahunga, अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए. जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं उनकी उनका हौसला अफजाई कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए. ये मत करिए कि छोटा बच्चा बैठकर सास भी कभी बहुत देख रहा है, जो कभी नहीं देखने देना चाहिए. जिसको ये भी नहीं पता सास गलत क्या होती है, वो सास भी कभी बहुत देखती है. तो आप अच्छी चीज कीजिए. मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फर्स्ट सेकेंड के बदले जिंदगी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए. आई एम हैप्पी दैट यू हैव अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट एंड जहां पर आपके 28 साल गुजर चुके हैं और आज आपका शिखर सम्मेलन होने वाला है. पॉलिटिशियनों का भी शिखर सम्मेलन होता रहता है, बट यू हैव योर ओन शिखर फेस्टिवल. आई विल टेल, इन्होंने तो आपको हौसला अफजाई कर दिया कि जोर लगाओ, सब कुछ सब मिलना चाहिए. इन्होंने आपकी हौसला अफजाई की. मैं आप सभी को भीष्म पितामह की तरफ से वो आशीर्वाद देना चाहूंगा अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजय भाव. अरे वाह, सामने से सर प्लीज आप थोड़ा आगे आइए. लुक एट द कैमरा प्लीज. गुड, बिकॉज दीज आर जस्ट द स्टूडेंट्स, दे वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस प्रोग्राम. नो, हेलो एवरीबॉडी. आर विजन की तरफ से मैं शिखर की कोर साक्षी बोल रही हूँ एंड बहुत बहुत स्वागत मुकेश खन्ना जी का हमारे शो पे. आप आए हमारे शिखर 14 के फेस्ट के लिए इनॉग्रेशन पे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बच्चों से मिलने में ज्यादा खुशी होती है, बिकॉज ये है जो दिखता है कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो आप लोग ये हमारे को दिखाते हैं कि आप सही जा रहे हो कि रॉन्ग जा रहे हो, और अगर रॉन्ग जा रहे हो तो आपको बोलना चाहिए सॉरी शक्तिमान. सो आई एम हैप्पी. सो आई एम हैप्पी. आई मीन यू पीपल आर वर्किंग अ लॉट फॉर ऑल दीज डेज एंड नाइट्स एंड यू हैव अ शिखर, आई वुडंट से सम्मेलन, इट्स अ शिखर व्हाट, शिखर फेस्टिवल. एंड सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है जहां आप अपने खुद के टैलेंट्स को बता सकते हैं. मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट आना ही जरूरी नहीं है, सेकंड थर्ड. मैं 27 बार रह चुका हूं, सो आई कैन टेल यू डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, जस्ट एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन दी कॉम्पिटिशन. थैंक यू.